सो गाइस एटम इसमें सर हमें ब्लैक एडम की मूवी में दिखने वाला है और ये कैरेक्टर काफी हद तक सिमिलर है मार्वल के एंटमैन से, बट इसकी पावर्स डिफर करती हैं एंटमैन से। और कॉमिक्स के स्टोरी लाइन में एटम इसमें सर और ब्लैक एडम फ्रेंड भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको ये पावर्स मिलती कहां से है और डीसी हमें एटम इसमें सर का कौन सा वर्जन ब्लैक एडम की मूवी में दिखाने वाला है। सो आज के एपिसोड में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम स्मैशर का रियल नेम है अल्बर्ट रॉथस्टीन और अल्बर्ट को ये पावर उसके ग्रैंडफादर टेरेंस कर्ट्सबर्गर एके साइक्लोट्रॉन से मिली थी। और अगर आप ये गेस कर रहे हो कि ये डीसी का सुपर विलन साइक्लोट्रॉन ही है तो आप एकदम सही गेस कर रहे हो, और क्योंकि सबकी वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग होती है और ऐसे ही कुछ अल्बर्ट की भी थी। वो अपने ग्रैंडफादर के पाथ को न चूज करके राइट पाथ को चूज करता है और बनता है डीसी यूनिवर्स का एक सुपर हीरो एटम स्मैशर। फिर एटम स्मैशर जीएसए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन करता है, बट उसे जीएसए के रूल्स रेगुलेशन और सही नहीं लगती। लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लैक एडम भी जीएसए को ज्वाइन करता है और यहीं पर इन दोनों कैरेक्टर की फ्रेंडशिप हो जाती है। पर फिर एक बार सुपर विलन कोबरा जीएसए को ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से जीएसए डिसाइड करती है कि वो कोबरा को छोड़ देंगे और ये एटम स्मैशर और ब्लैक एडम को सही नहीं लगता और फिर वो दोनों उस टीम को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद एटम स्मैशर जस्टिस लीग सुसाइड स्क्वाड द कंग्लोमरेट इन्फिनिटी जैसी टीम्स को ज्वाइन करता है और जीएसए में भी रिटर्न बैक करता है। पावर्स, अब अल्बर्ट अपने मेटा ह्यूमन की पावर्स से अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है, जिससे उसकी बॉडी अलाउ करती है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने की। अब अगर आप बोलोगे कि ये पावर तो एंटमैन के पास भी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर अपने साइज को एंटमैन से ज्यादा देर तक इंक्रीज या डिक्रीज करके रख सकता है, बट एंटमैन अपने साइज को ज्यादा देर तक इंक्रीज करके नहीं रख सकता उसे। तो आई थिंक आप इन दोनों कैरेक्टर के पावर्स का डिफरेंस समझ गए होंगे। और ये कैरेक्टर हमें डीसी के सीडब्ल्यू यूनिवर्स में फ्लैश के सीजन में ऑलरेडी दिख चुका है, जिसे एडम कोपलैंड ने प्ले किया है। सो गाइस मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी इस कैरेक्टर से रिलेटेड मैंने आपसे शेयर कर दी है। और क्या आप इस कैरेक्टर को ब्लैक एडम मूवी में देखने के लिए एक्साइटेड हो? और अगर इस एपिसोड से रिलेटेड कोई सजेशन और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे से मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।